रेप आरोपी तांत्रिक नित्यानंद ने भारत से भागकर अपना एक खुद का देश बसा लिया है, जिसका नाम कैलासा रखा गया है। नित्यानंद ने अपने देश की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसमें कैलासा को हिंदुओं का सबसे महान देश बताया गया है। रेप आरोपी नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक आइलैंड खरीदा है, जिसे वो अपना देश बता रहा है। कैलासा की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि कैलासा बिना सीमाओं का देश है, जिसे दुनिया भर से बेदखल किए गए हिंदुओं ने बसाया है। कैलासा की वेबसाइट पर सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और एक मंदिर आधारित जीवन प्रणाली देने का दावा किया गया है। आरोपी नित्यानंद दूसरे देश के लोगों को अपने देश का नागरिक बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है, साथ ही इस देश को चलाने के लिए लोगों से दान भी मांग रहा है। आपको बता दें कि इस देश का अपना एक पासपोर्ट भी है। नित्यानंद ने इस पासपोर्ट का एक सैंपल भी ऑनलाइन शेयर किया है। रेप केस का है आरोपी। नित्यानंद का असली नाम राजशेखरन है। वो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला है। साल 2000 में उसने बेंगलुरु के पास एक आश्रम बनाया। धीरे धीरे उसके भाषणों से लोग प्रभावित होने लगे। साल 2010 में नित्यानंद और एक एक्ट्रेस का आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल हुआ था। बाद में उस पर रेप के आरोप लगे। मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नित्यानंद को गिरफ्तार भी किया था। एक दूसरे रेप केस में भी नित्यानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। नित्यानंद पर सेक्स स्कैंडल और उसके आश्रम में लड़कियों के कथित शोषण के कई आरोप लगे थे, लेकिन साल 2018 में नित्यानंद अपनी जमानत का फायदा उठाकर देश छोड़कर भाग गया था।